पांच साल से एक ही माला जपते थे, पांच उद्योगपति, पांच उद्योगपति, पांच उद्योगपति। फिर धीरे धीरे कहने लगे अंबानी अडानी, अंबानी अडानी, अंबानी अडानी। जब से चुनाव घोषित हुआ है इन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया। जरा ये साझा एक कोशिश करें कि चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है। आज ये कह रहे हैं भाषण में उन्होंने आज कहा है कि रावण जी अडानी अंबानी का नाम नहीं ले रहे हैं, लोग तो लेते हैं। लोग हम इनकी सच्चाई आपके सामने इनका खुलासा करते हैं। लोग हम आपको कहते हैं कि बड़े 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 खराब पत्रों की इनकी इनके साथ इनकी साथ घाट है, घाट है। सारे कर्ज हमने इनके माफ किए 16 लाख करोड़ रुपए। पांच साल से एक ही माला जपते थे, पांच उद्योगपति, पांच उद्योगपति, पांच उद्योगपति। फिर धीरे धीरे कहने लगे अंबानी अडानी, अंबानी अडानी, अंबानी अडानी। पांच साल से, लेकिन जब से चुनाव घोषित हुआ है इन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया। मैं आज तेलंगाना की धरती से पूछना चाहता हूं, जरा ये साझा एक घोषित करें कि चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है, क्या क्या सौदा हुआ है आपने रातों रात। अंबानी अडानी इनको गाली देना बंद कर दिया। जरूर दाल में कुछ काला है, पांच साल तक अंबानी अडानी को गाली दी और रातों रात गालियां बंद हो गई, मतलब कोई न कोई चोरी का माल टेम्पो भर भर करके आपने पाया है। मिथिलाराज ये जवाब देना पड़ेगा देश को। मिथिलाराज युवराजु मी अंदर की तल युवराजु एवरो गत 5 संवत्सरालुगा कुंग जपमु दुंग जपमु पारिश्रामिक वेत्तलु अंबानी अदानी पेरु आज ये कह रहे हैं भाषण में इन्होंने आज कहा है कि रावण जी अडानी अंबानी का नाम नहीं ले रहे हैं, लोग तो लेते हैं। लोग हम इनकी सच्चाई आपके सामने इनका खुलासा करते हैं। लोग हम आपको कहते हैं कि बड़े 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 खराब पत्रों की इनकी इसके साथ इनकी साथ घाट है, घाट है। सारे कर्ज इन्होंने इनके माफ किए 16 लाख करोड़ रुपए। यहाँ उत्तर प्रदेश में जहाँ इनकी सरकार है, केंद्र में भी और प्रदेश में भी, यहाँ के किसान एक एक लाख रुपए के लिए आत्महत्या कर रहे हैं। उनके लिए एक कर्ज कर्ज माफ नहीं हुआ 1 रुपए का। इसका जवाब दें मोदी जी, इसका जवाब दें कि क्या काम किया। 10 सालों के लिए इन्होंने सिर्फ आपको बहकाया है। गरीब अडानी का माफ हुआ है। इस देश की जितनी भी संपत्ति है सारी अपने खरबपति मित्रों को दे दी है। देश के बंदरगाह, देश के हवाई अड्डे, देश का कोयला, देश की जो बिजली बनाने वाली जो पावर के हैं, बड़ी बड़ी संस्थाएं होती थी यहाँ इतनी खोले थे लोगों ने, बीएचईएल, एचईएल, रायबरेली, अमेठी में, इनके सारे सब्सिडी अपने खरबपति मित्रों को बेच दिए हैं ताकि आस्ते आस्ते इनका निजीकरण हो जाए।